अंजरवाल के इलाके मरगजार कॉलोनी में हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने ने मुंतकिल कर दिया है। फ्रेंजिक और इन्वेस्टिगेशन टीमें मौके पर मौजूद हैं। मजीद तफसीला जान लेते हैं, नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक, बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहरोज नामी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है और ये अंजरवाल के इलाका मुर्गजार का ये वाकया है कि शहरोज नामी मुलजम ने अपनी सगी माँ को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि दंडों के वार कर करके उसे वहीं पर ढेर कर दिया। जब पुलिस ने शहरोज को पकड़ा तो उसने बताया कि मैं, मेरी माँ चूंकि बदचलन थी या गैरत के नाम पर मैंने माँ को कत्ल किया है। हालांकि सीधी सी बात है कि जिस माँ के पांव के नीचे जन्नत है, तो जिसकी बिशारत है, उसके बावजूद इस सफाक मुलजिम ने अपनी सगी माँ को डंडों के वार से कत्ल किया है और पुलिस मौके पर चूंकि पहुंच गई और शहरोज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उससे आला एक कत्ल भी बरामद कर लिया गया। जबकि समीना खटक नामी खातून जिसे जिस माँ को उसने कत्ल किया था, उसकी लाश पुलिस ने मुर्दा खाने भिजवा दी है और पोस्टमार्टम का अमल जारी है। जबकि फोरेंसिक की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और तमाम सबूत और शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि शहरोज से जो इब्तदाई इंक्वायरी की गई तो उसने बताया है कि मैंने अपनी वालदा को गैरत के नाम पर कत्ल किया है और साथ ही उसने आला कत्ल भी पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस का ये कहना है कि मजीद ये पता करना है इन्वेस्टिगेशन विंग ने कि इसने अपनी माँ को किस वजह से कत्ल किया, क्योंकि असल वो वजह नहीं बता रहा जी, पुलिस बार बार यही की जा रही हैं और असल वजह का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक के आपने तफसीलात से आगाह किया।